दो के अंतर्गत आप इकाई दो पाठ्यक्रम का दो हिस्सा, दूसरा हिस्सा जिसके अंतर्गत आप आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकारों से परिचित होंगे, इस कड़ी में आप प्रेमचंद का सामान्य परिचय या उनके साहित्यिक जीवन या साहित्यिक उनका जो परिचय है उससे आप परिचित हो पाएंगे। और इस पाठ को पढ़ने के उपरांत आप प्रेमचंद के बारे में उनके जीवन, उनके लेखकीय जीवन से परिचित हो पाएंगे, साथ ही उनका जो साहित्यिक जीवन है जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या लिखा और उनके लिखने के पीछे की जो वैचारिक पक्ष है उसे उससे आप परिचित हो पाएंगे। तो प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम असल में धनपत राय श्रीवास्तव है, श्रीवास्तव था, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश का जिला वाराणसी है, उसका एक गांव है जिसका नाम है लमही, वहां उनका जन्म हुआ। ये पेशे से, इनका जो पेशा था वो असल में एक अध्यापक का था, टीचर थे, लेखक थे और साथ ही यह पत्रकार भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। साथ ही यह जिस काल के अंतर्गत आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, हम प्रेमचंद को जिस पीरियड के अंतर्गत रखते हैं वह है मॉडर्न एज या आधुनिक काल। जिस आधुनिक काल की शुरुआत 19th सेंचुरी के मिड से होता है, 1850 से आज तक आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हिंदी का जो लिटरेचर और उसका हिस्ट्री है उसके अंतर्गत हम आधुनिक काल को देखते हैं। प्रेमचंद को जिस फॉर्म के लिए हम जानते हैं, मैंने उन्होंने क्या क्या लिखा, कविता या कहानी, कविता नहीं लिखी तो उन्होंने असल में लिखा क्या, जिस फॉर्म के माध्यम से हम प्रेमचंद को याद करते हुआ है वो कहानीकार है, यानी कहानी का लेखक के रूप में और साथ ही उपन्यासकार के रूप में हम उनको जानते हैं। इनकी माता जी का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय। और उन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की थी और इनकी जो पहली शादी हुई थी 1895 में, 1895 अर्थात 15 वर्ष की आयु में इनकी पहली शादी हुई थी। लेकिन पहली शादी की असफलता के बाद 1906 ईस्वी में इनकी दूसरी शादी 26 वर्ष की अवस्था में शिवरानी देवी जी से हुई। शिवरानी देवी पहली पत्नी की अपेक्षा ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो कहानियां भी लिखा करती थी और साथ ही शिवरानी देवी जी को हम जिस वजह से जानते हैं वो यह है कि प्रेमचंद की जीवनी की लेखिका, मैंने जो जीवनी है प्रेमचंद घर में, उस जीवनी की लेखिका के रूप में हम शिवरानी देवी जी को जानते हैं। 1919 ईस्वी में, आप जानते हैं कि 1919 और 1880 से 1936 जब प्रेमचंद की मृत्यु होती है वो एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, आजादी की लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन छिड़ा हुआ था और साथ ही इस तरह के तमाम संगठन, पार्टियां थी, कई इस तरह के छोटे बड़े संगठन थे जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और हर वर्ग, हर तबका, हर क्षेत्र, हर वर्ग से लोग स्वाधीनता आंदोलन के कार्यक्रम से जुड़े थे, अपनी भागीदारी निभा रहे थे, अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। उसी कड़ी में 1919 में जब वे प्रेमचंद बीए पास करते हैं तो पास करने के बाद उन्हें शिक्षा विभाग में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में उनको सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति मिलती है। और 1920 में, आप सब जानते हैं 1920 में जब असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जब असहयोग आंदोलन होता है तो असहयोग आंदोलन का जो मैंने जो बुनियादी जो सिद्धांत, जो कार्यक्रम था वह यह था कि अंग्रेजी हुकूमत से के प्रति आप असहयोग करेंगे, उनके हर एक पेशे से जो भारतीय अंग्रेजी सत्ता या सरकार के पेशे से जुड़े हैं उन्हें उनसे त्याग पत्र देने और इस कार्यक्रम, इस आंदोलन में अपनी भूमिका या अपनी भागीदारी निभाने के लिए कहा गया। और 1920 में 21 में, माफ करिएगा, 23 जून 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर और गांधी जी के द्वारा जो मैंने जन समर्थन के लिए लोगों का समर्थन मांगा था उसके तहत उन्होंने अपने इंस्पेक्टर, शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद से
क्या दिया, त्याग पत्र दे दिया। मूल रूप से 1906 से 1936 अर्थात 30 वर्षों के लेखकीय जीवन में हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने डेढ़ दर्जन से अधिक लगभग 18 उपन्यास नोवेल इनके नाम से हैं और लगभग 300 से अधिक कहानियों के लेखक के रूप में हम प्रेमचंद को जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद के कहा की कहानी और उनके उपन्यासों का जो विषय है, जो कंटेंट है, वो क्या था। उन्होंने असल में, मैंने इससे पहले कहा कि असहयोग आंदोलन, स्वाधीनता का संग्राम और एक तरह से जो सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट चल रहा था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का जो एक उसकी पूरी तस्वीर उनकी कहानियों में वो खींचते हैं। और उन्होंने असल में जो एक सामाजिक जो एक तरह से विकृतियां थी समाज में, जो एक तरह से सामाजिक रूप से जो तमाम गंदगियां थी, उन गंदगियों पर उन्होंने प्रकाश डाला। खासकर उन्होंने दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, इन समस्याओं का वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में किया। ठीक है, और साथ ही हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी कहानियों में न केवल सामाजिक सुधार की तस्वीर खींची, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को भी के स्वर को भी अभिव्यक्त किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेमचंद एक तरह से समाज सुधार आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, साथ ही स्वाधीनता संग्राम के कार्यक्रम में भी वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसके आगे हम ये देखेंगे कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास और उन कहानियों, जो प्रमुख कहानियां, उससे परिचित होंगे। और साथ ही हम ये देखेंगे कि प्रेमचंद के द्वारा लिखित निबंध और उनके द्वारा संपादित जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उससे भी परिचित होंगे। तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास, उनकी कहानी और साथ ही उनके द्वारा लिखे गए नाटक और उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं का हम सामान्य परिचय प्राप्त करें। तो इस कड़ी में हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद शुरू में उर्दू भाषा में लिखा करते थे। जब वो उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय नाम से लिखते थे, और इस नाम से उपलब्ध उनका जो पहला उर्दू उपन्यास है, जिस उपन्यास को बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में रूपांतरित किया, उस उर्दू उपन्यास का नाम था असरारे माबिद। माबिद, ये जो असरारे माबिद है, वो असल में जब हिंदी में अनुदित हुआ तो इसका नाम रखा उन्होंने देवस्थान रहस्य। इसी नाम से उनका दूसरा जो उर्दू में उपन्यास उन्होंने लिखा, वे हम खुरमा व हम सवाब, इस उपन्यास को उन्होंने हिंदी में प्रेमा नाम से अनुदित किया 1907 ईस्वी में। 1908 में इनकी पहली कहानी कहानियों का संग्रह, इनकी पहली कहानियों का संग्रह सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ। इस सोजे वतन नामक कहानी संग्रह की जो कहानियां थी, असल में पूरी तरह से देशभक्ति परक थी। 1907 में 1907-8 के आसपास की जो परिस्थितियां थी, वो ये थी कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो एक तरह से शोषणकारी नीतियों और दमनकारी नीतियों का जो एक तरह से अंबार लग गया था, और जिससे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को दबोचने, उसे खत्म करने की हुकूमत द्वारा जो कोशिशें हो रही थी। और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कैसे भारतीय जनता को वो शोषित कर रहे थे, उसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि 1905 में जब उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, और इसके परिणाम स्वरूप जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई, और इन परिस्थितियों से उपजी जो देशभक्ति थी, जो भावना थी, वह कविता, कहानी और उपन्यासों के माध्यम से हमें संपूर्ण भारतीय भाषाओं के साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि प्रेमचंद का ये जो कहानी संग्रह है सोजे वतन, वह देशभक्ति से इतनी अधिक प्रेरित थी, प्रभावित थी, कि सरकार के द्वारा इस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। इसकी जितनी प्रतियां थी उस पर एक तरह से इसके प्रकाशन और इसकी खरीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। फिर इसके बाद यह हुआ
कि प्रेमचंद जो उर्दू में नवाब राय के नाम से जानते थे उन्होंने अपना नाम बदला और फिर वह प्रेमचंद नाम से हिंदी और उर्दू में लिखने लगे। सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद का यह नाम उन्हें किसने दिया? यह नाम उन्हें दिया था दया नारायण निगम के द्वारा। ठीक है, तो हिंदी में इनकी पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी 1910 में, उस कहानी का नाम था बड़े घर की बेटी, जो जमाना नामक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी उस पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई। ठीक, हम प्रेमचंद के उपन्यासों से परिचित हो जाएं। प्रेमचंद के ये जो प्रमुख हिंदी के उपन्यास हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, निर्मला 1925 ईस्वी में, कायाकल्प 1926 में, प्रतिज्ञा 1927 में, गबन 1928 ईस्वी में, कर्मभूमि 1932 ईस्वी में, गोदान 1936 ईस्वी में, इन उपन्यासों का जो विषय है वो वही है जो मैंने शुरू में कहा, सामाजिक कुरीतियों और अव्यवस्थाओं के प्रति एक तरह का विद्रोह और साथ ही स्वाधीनता संग्राम का स्वर इन उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने मासिक पत्रिका माधुरी और मर्यादा का भी संपादन किया और साथ ही उनके द्वारा 1930 में हंस नामक पत्रिका जो वाराणसी से प्रकाशित होने लगी उसके संपादक और प्रकाशक की भूमिका में वह थे। 1936 ईस्वी में जब मैंने अपने मृत्यु के पूर्व लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का जब अधिवेशन हुआ था तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में की कुर्सी पर यह विराजमान थे। मैंने एक तरह से उन्होंने उस अधिवेशन को चेयर किया था। 1934 ईस्वी में एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी, उस फिल्म का नाम है मजदूर। उस फिल्म की कहानी लेखक के रूप में प्रेमचंद को याद किया जाता है। इनके नाम से 300 से अधिक कहानियां हैं, जिन कहानियों के जो पात्र हैं, जो जीवन है या जो वर्ग है वो यह है कि निम्न और मध्यम वर्ग वर्गीय जीवन की जो स्थिति है उनकी समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने इनकी संपूर्ण कहानियों को या संपूर्ण हिंदी और उर्दू कहानियों को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित किया। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के इतिहास में कलम का जादूगर और कलम का सिपाही नाम से जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कहानियां माने प्रेमचंद की कहानियों को, जैसे कि मैंने शुरू में कहा 300 से अधिक है, अगर प्रेमचंद की कहानियों प्रसिद्ध कहानियों का एक प्रतिनिधि संकलन हम अगर तैयार करें तो उन कहानियों में प्रेमचंद की कफन नामक कहानी, दूध का दाम, नमक का दरोगा, होली की छुट्टी, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ये बेहद प्रसिद्ध कहानियां हैं। उनकी कहानी संग्रहों के नाम सप्त सरोज जो 1917 में प्रकाशित हुआ, जिस कहानी संग्रह में 7 कहानियां थी, नवनिधि जिसमें 9 कहानियां थी, समर यात्रा, मानसरोवर जिस कहानी संग्रह का 8 खंड जो है मैंने प्रकाशित है। इनके नाम इन्होंने 3 नाटकों का लेखन किया, इसमें पहला नाम आता है संग्राम 1923, 1924 में करबला और तीसरा जो नाटक है प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी में। इनके निबंधों का जो संकलन है साहित्य का उद्देश्य, जिस निबंध संग्रह में हम 40 उनके लेख या निबंध पाते हैं। उन्होंने बहुत सारे देशी और विदेशी साहित्यकारों की रचनाओं का भी ट्रांसलेशन, तर्जुमा या अनुवाद किया, जिसमें टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद उन्होंने 1923 में गॉसवर्थी, अंग्रेजी के महानतम कहानीकार है, उस कहानीकार माफ कीजिएगा कहानीकार एवं नाटककार है, उन
उनके तीन नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया, जिसमें पहला नाम आता है हड़ताल 1930 में, चांदी की डिबिया 1931 में, न्याय 1931 में। इन तीन नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया। हिंदी साहित्य में जिसे कलम का जादूगर और कलम का सिपाही नाम से जानते हैं, उस महान साहित्यकार, उस महान विभूति का की मृत्यु 1931 ईस्वी में 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में होती है। और उन्होंने अपने लेखन द्वारा, अपनी कहानी और उपन्यास द्वारा जो अपनी भूमिका निभाई थी, और इसलिए उनके योगदान को हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत सम्मान से देखता है। इसलिए कहानी और उपन्यास की जो परंपरा है उसके इतिहास में, हिंदी कहानी की परंपरा में एक युग, एक खंड जो है उसे प्रेमचंद युग, और उपन्यास में भी प्रेमचंद युगीन उपन्यास के नाम से हम जानते हैं। इस तरह से हम प्रेमचंद के जीवन और उनके साहित्यिक जीवन से परिचित होने में सफल हुए। धन्यवाद। Thank you.